पुष्कर सिंह धामी का जो मुजफ्फरनगर दौरा, सीएम पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक जाएंगे सीएम। रामपुर तिराहा कांड की 29वीं बरसी में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे उत्तराखंड के सीएम धामी। 2 अक्टूबर 1994 को शहीद हुए थे 7 आंदोलनकारी। आंदोलनकारियों पर दिल्ली जाते समय हुई थी गोलीबारी। 2 अक्टूबर 1994 को शहीद हुए थे 7 आंदोलनकारी। आंदोलनकारियों पर दिल्ली जाते समय गोलीबारी हुई थी। शहीद स्मारक संवाददाता सचिन अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, आज पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर आएंगे। पुष्कर सिंह धामी और उनके कई मंत्री और सांसद आज मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे। 2 अक्टूबर 1994 में जब उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग को लेकर जो आंदोलनकारी थे वो दिल्ली जा रहे थे, उसी बीच मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर उन्हें रोक लिया गया। उसके बाद उनके साथ बर्बरता हुई, उन पर गोलियां चलाई गई, लगभग पुलिस द्वारा चलाई गई। इस गोली में 7 जो आंदोलनकारी थे वो शहीद हो गए थे और सैकड़ों से ज्यादा जो महिला पुरुष थे वो घायल हुए थे। आज उनकी 29वीं बरसी है आंदोलनकारियों की। उनके परिवारों के साथ वो एक संवाद स्थापित भी करेंगे और श्रद्धा सुमन इन आंदोलनकारियों को वो पुष्प अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद ही अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर वो निगरानी बनाए हुए हैं। तकरीबन 11 बजे के बाद पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर के द्वारा पुलिस लाइन उतरेंगे और उसके बाद वो शहीद स्मारक पहुंचकर उन 7 शहीद जो आंदोलनकारी थे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद जो शहीदों के परिजन थे उनके साथ वो संवाद स्थापित करने के साथ साथ एक छोटी सी सभा को समाधि स्थल पर ही संबोधित करेंगे। जी सिलसिला बिल्कुल। और देखिए सचिन, अगर बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी हमेशा से ही शहीदों को लेकर के और उनको श्रद्धांजलि देनी हो हमेशा से एक्टिव रहते। यही वजह है कि रामपुर तिराहे कांड की 29वीं बरसी है। एक बार जरा हम रामपुर तिराहे कांड का भी जिक्र कर ले सचिन, क्योंकि एक अहम था, 7 आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवा दी थी इसमें। देखिए 2 अक्टूबर 1994 में जब उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर तकरीबन सैकड़ों जो आंदोलनकारी थे वो दिल्ली जा रहे थे, लेकिन इसी बीच मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर इन आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोक लिया और उसके बाद पुलिस ने इन आंदोलनकारियों पर गोली चला दी, जिसमें 7 आंदोलनकारी मौके पर ही जिनकी मौत हो गई थी, जबकि दूसरी ओर वहां महिला और पुरुषों तकरीबन सैकड़ों की संख्या में वे भी घायल हुए थे। इस मामले का मुकदमा अभी फास्ट्रैक कोर्ट में मुजफ्फरनगर चल रहा है, जिसकी सुनवाई इसी महीने होनी है, लेकिन अभी उसमें क्या निर्णय आएगा ये तो अभी टाइम ही बताएगा। लेकिन दूसरी ओर जो आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है शहीद स्मारक पर, इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई बीजेपी के बड़े नेता, कई मंत्री और खुद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मौजूद होंगे। जी बिल्कुल। और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।